सोनम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हिंदी गद्य साहित्य का विकास। तो ये जो हिंदी गद्य साहित्य का विकास होता है, ये आपके क्लास ट्वेल्थ हिंदी में 10 मार्क्स के 10 नंबर के आते हैं। और इसके अलावा ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, जैसे पुलिस के हो गए और भी जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उसमें जो ये हिंदी होती है सब्जेक्ट, ये काफ़ी नेसेसरी होती है। और इनमें से ये क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्वेल्थ हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे इससे पहले भी हमने कई इम्पॉर्टेंट वीडियो हिंदी से रिलेटेड बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के इस मीनिंग पे जाकर आप सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ के आल सब्जेक्ट हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे स्टडी कराए जाते हैं, और काफ़ी ट्रिक और ट्रिप्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन रहा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो क्वेश्चन कौन सा रहा, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रहा कि भारतेंदु युग की जो रचना है वो क्या है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के आते हैं। 5 गद्य से और 5 पद्य से 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में क्लियर नंबर का होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको गलत कर देंगे तो आपको पूरा टोटली एक नंबर काट लिया जाएगा, यानी 10 नंबर अगर 10 गलत कर दिए, आप तुक्का मार दिए, अगर गलत हो गया तो वो आपका 10 नंबर चला गया। तो इसलिए इसको आप जितना हो सके उतना आप लोग इसको पढ़िए और याद करिए, और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डेली वीडियो मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, भारतेंदु युग की जो रचना है वो क्या है। तो यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से किसी एक ऑप्शन सही है। किस तरह आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, आपको अगर हिंदी में बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने नहीं आती, तो इससे भी रिलेटेड वीडियो अपलोड है हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, प्रेम माधुरी, कामयानी और निरुपमा युगवाणी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, प्रेम माधुरी, ठीक है। प्रेम माधुरी जो है वो भारतेंदु युग की रचना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, यानी प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं, वो नहीं दिया, यानी कोई नहीं, क्योंकि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है, तो वो यहाँ पे कई ऑप्शन दिया हुआ है, दोहा, साखी, शब्द, पद, बट यहाँ पे साखी, ठीक है, कबीर के दोहों के नाम। कि हास रस का स्थाई भाव क्या होगा, देखिए जो ये हास रस है ये आपके क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ दोनों के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, हास रस का जो स्थाई भाव होता है वो होता है हास, ठीक है। तो इस तरह आप हास होता है ये स्थाई भाव। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये रहा छायावाद के प्रवर्तक है, यानी छायावाद के प्रवर्तक किसे कहता है कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ गया कि छायावाद के किसी 4 कवियों के नाम लिखिए, तो ये 4ों कवि छायावाद के हैं, बट जो यहाँ पे प्रवर्तक पूछ रखा है वो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप करुण रस और हास्य रस के भी डेफिनेशन को बिल्कुल इजी तरीके से जानना चाहते हैं और उसके एग्जाम्पल को, तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, ऑप्शन कई दिए हुए हैं, शोक, हास, क्रोध और निर्वेद, लेकिन जो करुण रस का स्थायी भाव होता है वो शोक होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि महादेवी वर्मा के माता का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कई ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन जो महादेवी वर्मा के माता का नाम है वो हेमरानी देवी है, महादेवी वर्मा है, ये आपके क्लास ट्वेल्थ और क्लास टेंथ दोनों में इनका जीवन परिचय दिया हुआ है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। अगर आप जीवन परिचय लिखना नहीं जानते, फिर से आप किस तरह जीवन परिचय याद करेंगे, ये भी हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा, कला और बूढ़ा चांद के जो रचनाकार हैं वो कौन है, ऑप्शन कई दिए हुए, जयशंकर प्रसाद वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, लेकिन ऑप्शन नंबर बी राइट है, वर्मा मीन्स महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहते हैं। कनक शब्द अनेकार्थी शब्द है, ठीक है, यानी कनक किसका अनेकार्थी शब्द है, तो कनक को क्या कहते हैं, सोना,
यानी कनक सोना का अनेकार्थी शब्द है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि राजा भोज के सपना के कथाकार हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन कई दिए हुए, गोस्वामी शिव प्रसाद सितारे हंस, इंशाल्लाह खा, रामचंद्र सुख। तो राजा भोज के सपना के जो कथाकार हैं वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।